कालापत्थर पुलिस ने कोविड-19 वैक्सीन के फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करने वाले एक रैकेट को बेनकाब किया है और सिलसिले में 4 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस चारमीनार जी भिक्षम रेड्डी ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन वन्नीसाला मोहम्मद सैफ साकिन कालापत्थर सरूनगर के एक वैक्सीन सेंटर पर डाटा एंट्री का काम करता है। उसने ऐसे लोगों को जो वैक्सीन नहीं लिए ऐसे सर्टिफिकेट 1000 रुपये में फरोख्त करता था। उसके दीगर 3 साथियों मोहम्मद मिसबा, मोहम्मद असलम और मोहम्मद फरीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस रैकेट में मुलविस दीगर 8 खातून मुलजमीन मफरूर हैं। इंस्पेक्टर पुलिस सुदर्शन की निगरानी में ये कार्रवाई की गई। ठीक है दोस्तों, मिसबा उल्ला, असलम और फरीद ये लोगों भी उनके घर के आसपास में रहते हैं तो थोड़ा लोगों को पहचान वाला है, लोग उससे अप्रोच हुआ है। थोड़े लोगों अगर वैक्सीनेशन लेके लोगों सर्टिफिकेट चाहिए, उन लोगों को अगर कहीं जाना है तो भी अस्पतालों में जाना भी तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं। मगर उन लोगों उनका वजह से पर्सनल रीज़न से नहीं करना चाह रहे हैं, मगर सर्टिफिकेट चाहिए उनके वास्ते, सर्टिफिकेट होना बोले तो मैं करके दे तुम बोल के एक के आदमी से हिसाब तक लेके उन लोगों को अगर कोविड वैक्सीनेशन दे के उनका आधार डिटेल्स एंट्री करके कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करके दिया है। वैसा लेने में थोड़ा लोगों आइडेंटिफाई हुआ, उसमें अभी तक तो आज जैन एडमिशन आइडेंटिफाई हुआ उन लोगों के नाम से। अभी उन लोगों का कहाँ तक रोल है, उन लोगों को कुछ चाहिए, इन लोगों को प्रो करके ले लिए उन लोगों से आगे इंक्वायरी में मालूम होगा। ये 4 लोगों को आज कालापत्थर पुलिस स्पेशली सुदर्शन और विक्रम सिंह जो डीए है उनका टीम जो स्पेशल है तो इन्फॉर्मेशन आने से लोगों को हिरासत में लेके इंक्वायर करके वो सही है, इन्फॉर्मेशन सही है मालूम होने के बाद लोगों को अरेस्ट करें, आज अदालत के सामने पेश करेंगे और रिमांड भेज दें। सर सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स इशू करें या RT-PCR भी कुछ इशू करें? ये अभी तक तो वैक्सीनेशन इशू उन लोगों को करें बोल के सर्टिफिकेट दिए है, आगे भी अभी इन्क्वायरी करेंगे। RT-PCR कोई RT-PCR है वो तो टेस्ट करे से है, वो तो अभी मालूम नहीं है, अभी आगे इंक्वायरी में मालूम होगा। ये लोग कब से करें सर और टोटल कितना अमाउंट कितना सीज करें? अभी अमाउंट तो नहीं है, वो उन लोगों को खर्चों में हो गया। अभी हमारे को आज जेने का इंफॉर्मेशन आया, आज जेने सर्टिफिकेट लिया बोल के, अभी आगे इंक्वायरी में कितने लोगों के लिए फोन लिए, हर आदमी को 1000 रुपये जैसे ले लेके सर्टिफिकेट मिला। सर जो सर्टिफिकेट लिया उनके ऊपर क्या एक्शन होगा? वही है मैं बताया हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, थर्ड पार्टी एम्प्लॉई है, ये तो कोई भी हो गवर्नमेंट एक बार हायर करने के बाद उनके पैसे देने के बाद उन्होंने सीम्स टू बी गवर्नमेंट का इंक्वायरी होगा। ये तो अभी तक तो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, आउटसोर्स एम्प्लॉय आउटसोर्स। सर हाल ही में ट्रांसपोर्ट अभी वो आगे इंक्वायरी में मालूम होगा। इससे पहले भी थोड़े दिन पहले अपना टास्क फोर्स वाले भी ऐसे रैकेट को अरेस्ट करके रिमांड करे, उन लोगों को इन लोगों को कुछ रिश्ता है क्या, रिलेशन है क्या, अभी आगे इंक्वायरी में मालूम। सर इनको हेल्थ डिपार्टमेंट ने हायर किया है या आउटसोर्सिंग एजेंसी से हेल्थ डिपार्टमेंट? हेल्थ डिपार्टमेंट ने हायर किया है या GHMC ने हायर किया है? GHMC हायर करके हेल्थ डिपार्टमेंट को स्टार्ट दिया।